नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाय नमो वज्रायाणं नमो सर्वतापं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं अवहिमंगलम् जय जगजीवन वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाभो जगवंदो जय जगप्रियामो वयो जय सुयाण बलो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलो कल्याण पादपारंगा विश्वांभोजरवीदेव वंदेहन्यातनंदन सर्वारिष्टप्रणशं सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि श्रीगौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते मीरांधानं ज्ञानांजनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः Thank you.
बाहर के जगत में चारों तरफ आपको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु दिखें। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु पूरे चौदह राजलोक में सर्वत्र सब जगह पर होते हैं। पूरे चौदह राजलोक का एक सेंटीमीटर एक एमएम का भी ऐसा कोई भाग खाली नहीं है कि जहां कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु न हो। अब चौदह राजलोक में कोई एक इंद्रिय जो होगा, कोई दो इंद्रिय वाला, कोई तीन इंद्रिय वाला, कोई चार वाला, कोई भी जीव कहीं भी अभी होगा, उनको ही ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने। अब ये ग्रहण करने के लिए सबसे पहले जीव के पास क्या है? राजद्वेष। निगोद के जीव में राजद्वेष है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में है, तीन इंद्रिय पंच इंद्रिय में है। एक जीव संसार का ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये राजद्वेष ना। अब सवाल किस बात का है? कम ज्यादा प्रमाण, कम ज्यादा प्रमाण है। निगोद के जीव को भी अपना शरीर तो है, उसको भी अपनी इंद्रिय है, उसको भी तो कर्म बांधना ही है। बिना राजद्वेष के तो कर्म हम देंगे नहीं। अभी हमने उत्तराधीन सूत्र समझाया तो स्पष्ट उसके अंदर आया कि भी रागो ये दोस्तों भी है, कम भी है, राग द्वेष ये कर्म के बीज है। इतना बड़ा पेड़ आपको दिखाई देता हो 50 फीट का है, लेकिन वो दो छोटे से बीज में से ही बना है। अब वो नारियल का पेड़ बना है कि फिर बड़ का पेड़ बना है, बीज में से ही बना है। इतने सब कर्म आए कहाँ से, बंदे कहाँ से, पनपे कहाँ से? उसका सीधा अर्थ यह है कि वो राग द्वेष करके ही बात। हमारी क्या समस्या है? हमारे पास मन होने से, हम संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होने से हम हजार गुना राग द्वेष ज्यादा कर रहे। एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों को ना तो मन भी नहीं है, वचन योग नहीं है, एक इंद्रिय तो उनका राग द्वेष अपने शरीर तक सीमित है। हमारा राजद्वेष मात्र हमारे शरीर तक नहीं है, हमने शरीर से ज्यादा बाहर की जड़ वस्तुएं, बाहर के अन्य जीवों के साथ संबंध रख करके बनाया। ये तकलीफ हम बनाते तो गए, बढ़ाते भी गए, क्लेश कसाई भी करते गए। अब ये कसाई आदि भाव होते गए बढ़ते, आप राग में क्या करेंगे, द्वेष में क्या करेंगे? द्वेष की ब्रांच निकली तो इसके अंदर आपको क्रोध और माना। अब एक इंद्रिय के निगोद वाले जीव को भी क्रोध होगा कि नहीं होगा? एक शरीर में एक साथ में जिनको अनंत को साथ में रहना, आपके घर में एक महिला हो और चार महिलाओं का घर साथ में हो तो राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे? क्या वहां पर ना बोला मैं बधारे वह तो अच्छो कि एकला रहो तो अच्छो? एकला नहीं बधारे। अब आप ये सोच लो अपनी तरफ से, संसार का ही नियम, सब जगह का नियम, द्वेष की दो शाखाओं में क्रोध और मान हो गया, राग की दो शाखा के अंदर माया और लोभ हो गया। अब सिमंदर स्वामी ये कह रहे हैं कि संसार का एक भी जीव ये दो और ये चार ये छह के बिना तो रहता ही, और इन्हीं के कारण ये राग द्वेष जैसे ही जब आप करेंगे तो ये बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच दे जाओ। ये राग द्वेष हमारे लिए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने का लेने का सबसे बड़ा एक माध्यम साधन हो गया। ये करने वाला कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा के पास अगर मन वचन काया के साधन नहीं हो तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और अगर मन वचन काया के साधन है, अब किसी के पास तीन है, किसी के पास दो है, किसी के पास एक, एक में क्या होगा? एक में सिर्फ काया, दो आएंगे तब काया के साथ में वचन आ जाएगा, और तीन आएंगे तब क्या होगा? मन भी आया, वचन भी आया, काया। तो हमारा इस समय क्या है? तीन योग वाले।
તમે સામાયિક લીધી એટલે શું બોલ્યા? મણે એનમ વાયા એ કા એનમ ન કરે મી ન થાય. तो घड़ी तक आपकी सामयिक का अर्थ ये रहा कि अब मैं मन वचन काया से कोई पाप नहीं करूंगा, कोई कर्म नहीं करूंगा. अब ये प्रतिज्ञा है, मतलब आपने नए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके खींच करके आत्म प्रदेशों के साथ एक रस करने के लिए दो घड़ी का समय आपने छोड़ दिया. इसलिए सामयिक आपकी संवर क्रिया हो गई. अब आप में आपको किसी भी हालत में दो घड़ी के अंदर नए कर्म का आश्रय नहीं होगा. अब आप गलती कर करके मन को अगर खुलना छोड़ दोगे तो फिर वचन योग को आपने दुरुपयोग किया तो कर्म बंधे, काय योग की क्रिया आपने की तो कर्म बंधे. इसलिए आपको ये चरवला दिया है. चरवला इसलिए दिया है कि आप ये मत समझे चरवला मतलब घूमने फिरने की परमिशन के लिए नहीं दिया है. चरवला जो है ये आपको सिर्फ जयना के लिए पहले ही आते कटाचना बिछाते समय आप प्रमार्थना कर लो. अगर योगानुयोग कोई ऐसी परिस्थिति में गुरु भगवंत आदि का आगमन हुआ है तो अभ्युत्थानम हमारा विनय है कि उठकर खड़े होवें फिर बैठे तो आप चरोला का उपयोग करो. ऐसी परिस्थिति के लिए चरोला उपकरण बन गया है. आप उसको परमिशन समझ करके कुछ भी करोगे तो आपको उस समय भी कर्म बंद हो सकता है. अब ये सारी जो है साधन अंदर अंदर से भाव कर्म यही है અને બહારથી નવા પાપ કરાવીને ફરી કર્મ બંધાવનાર પણ એ જ. મન વચન કાયા તો એક મેકેનિઝમ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક મોબાઈલ કા એક ડિવાઇસ હૈ. મન કર્મ નહીં માનતા હૈ, વચન કર્મ નહીં માનતા હૈ, કાયા કર્મ નહીં માનતી હૈ. તણે જડ સાધન છે, એ શું કરવા કર્મ બાંધે ભાઈ? જડ સાધન મન વચન ઓર કાયા એ ભી તો પુદગલ કે પિંડ હૈ. और आपने बाहर से भी कार्बन वर्गना के पुद्गल के ही परमाणु लेने, पुद्गल पुद्गल से तो रोज मिलता है, उनको क्या कर्म बंध होना है? ये कसाय यहां से खड़े कर करने वाली आत्मा है, कर्ता आत्मा. बिना कर्ता के क्रिया होती ही नहीं है. कर्ता क्रिया करे तो ही होगी. कर्ता आत्मा है. अब कौन सी क्रिया करनी है? विचार भी करना है, बोलना भी है और शरीर के पहले क्रिया प्रवृत्ति भी करनी है. अब इसके लिए करने का साधन मन वचन का है. आपके ध्यान में बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो है आत्मा इस समय करता है तो करता होने के कारण अब इसको क्रिया करनी. अब इसकी क्रिया के अंदर जो है जिस प्रकार की क्रिया ये करे, अब ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है. अब ये सब क्रिया ही है. अब इसके क्या होंगे? ये सब पहले चल करके यहां से इधर से देखिए, ये सब पहले चल करके ये अब आपके विचार तरंगे उत्पन्न. अभी कहाँ हुआ है? आत्मा में जब ये ज्ञान तरंगे प्रदीप्त हो जाएगी, अब जा करके ये जो तरंगे खड़ी हुई है, अब ये अब इसको जो है एक डिवाइस साधन जो मन दिया है, अब वो इसको ग्रहण करेंगे, अब वो इसको ले जा करके प्रवाहित करेंगे. तब आपको पता चलेगा, हाँ हवे मने खावानी इच्छा थी, હવે મને બોલવાની ઈચ્છા થઈ, હવે આ વિચાર આવ્યો, હવે આ વિચાર આવ્યો. તમને ખબર પડે આવી ક્યાંથી ભરતી અને ઓટ આવી ક્યાં, શરૂઆત ક્યાંથી છે? તમને ખાલી છેલ્લો છેડો કાંઠા ઉપર દેખાણો.
જે છેલ્લો છેડો તમને ગાંઠા ઉપર દેખાણો છે, પણ તમે એનું ઉદગમ તો જોવા નથી ગયા ક્યાંથી આવ્યો. એનો મતલબ એ થયો કે આત્માના ઘરમાંથી અહીંયાથી જે છે શરૂઆત. આ કર્મ કોને બંધાયેલા છે? આનું આ કર્મ જે છે, આ કર્મ બંધાયેલું પડ્યું છે. આ કર્મ અંદર સત્તામાં એ હે કિસકો કિસકો બંધન હે? આત્મા. તો ઉદયમાં કોને આવશે? દૂધ શેમાં છે? તપેલામાં. તપેલું તમે ગેસ ઉપર મૂક્યું છે, તપેલા વગર તો દૂધ મુકાતું નથી. अब वो आपने गैस पर रखा है तो पहले आग जो है गर्मी किस में जाएगी? गर्म क्या होगा? पहले टोप ही गर्म होगा. अब टोप गर्म होने के बाद जो वो अग्नि है वो अंदर के दूध पानी में प्रवेश करेगा. अब पूरा दूध जो है गर्म होगा तो जल करके उसमें से क्या निकलता है? कौन जलता है? दूध जलता है कि पानी? दूध क्यों नहीं जलता है? कपेले में दोनों है तो दूध क्यों नहीं जलता है? पानी क्यों जलता है? दूध नहीं जलता है इसका क्या कारण है? अब जो उसमें बाहर से कौन आया है? पानी. मिलाया क्या गया है? पानी. बाहर से जो आया है. अब दूध के परमाणु अलग है, पानी के परमाणु अलग है. पानी जलते हुए भाप बन करके निकल. आत्मा नहीं नष्ट होती है, कर्म नष्ट होते. सर्व पावक पणासन. नाश किसका होगा? अब जो बाहर से आकर के आत्मा प्रदेशों के साथ बंद हुआ है उसका नाश. बाहर कौन है? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों से बाहर है. अब उनको ही अंदर आना है, वो ही अंदर आए. पर नियम शू छे? ये भी जड़ पुद्गल के परमाणु है, स्वयं करता नहीं है. खुद होकर चलाकर आत्मा में घुस नहीं जाएंगे. आप खुद होकर के ऐसी क्रिया करके उनको मैग्नेट से खींचोगे तब अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं. तो भी काम कौन छे? अब ये आत्मा स्वयं होकर के कर्ता बनकर ऐसी क्रिया करके उनको खींच खींच करके अंदर ले. अब वो अंदर ले, अब उसको एक रस करे, तब वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक जाएंगे. अब कर्म बनेंगे. डब्बा मां लोट छे त्यां सुधी रोटली न केवाय. હવે કઈ ડબ્બામાંથી લોટ પરાતમાં આવી જશે ને રોટલી બની જશે એ પ્રોસેસ નહીં હે. મહિલા ખુદ જાકર ડબ્બા ખોલ કરકે આટા લેગી, પાણી ડાલેગી, આટે કો ગૂંધેગી, તબ જાકર કે વો આટા બનેગા. ફિર એક એક લે કરકે ઉસી તરહ સે આકાર દેગી ઓર સેકેગી, તબ રોટી બનેગી, નહીં તો નહીં બનેગી. પ્રક્રિયા યે હૈ. जीव खुद होकर के इन कार्बन वर्गणा को लेगा. अब ये लेने के लिए साधन आपके पास, किसी का राग है, किसी का द्वेष है, किसी को क्रोध है, किसी को मान है, किसी को माया, किसी को लोभ. सब जीवों के, संसार के समस्त जीवों की. अब जितने राग द्वेष आप ज्यादा करेंगे, अब अंदर आए हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर घूम घूम करके आत्म प्रदेशों के साथ एक रस हो जाएंगे, बंधेंगे तब कर्म, नहीं तो नहीं बनेगा. ये पूरी प्रक्रिया है. आपने दूध में शक्कर डाल दी तो पड़ी रहेगी. हालांकि शक्कर बनी कैसी है? वो पहले गुड़ के रस में प्रवाही फॉर्म में थी. अब उसको ला करके लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, क्रिस्टल फॉर्म में दाने बनाने पड़े. तो वो वापिस जो है दूध में आकर के पिघल करके अपने परमाणु बिखेर देंगे. लेकिन उसको आपको चम्मच से हिलाना पड़ेगा. आत्मा को अंदर लेने के बाद अब उसको एक रस करना पड़ेगा. अब वो जितना एक रस करते जाएगी वो घूमता जाएगा, घूमता जाएगा. ये शक्कर के परमाणु फिर पिघल जाएगा.
जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो वापिस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से लिक्विड फॉर्म में आते ही वापिस उसके परमाणु अब दूध पानी के साथ एक रस हो गए। कयो दूध गलियो थयो नीचे नु तलिए नु के ऊपर नु। यहाँ आत्मा में जैसे ही बाहर से ये कार्बन वगैरह के पुद्गल परमाणु आए, लिए किसने? आत्मा ने। किस माध्यम, किस खिड़की दरवाजे से? बरसात पानी कई बाजू थी आयु छे, जे बाजू बारी बंद छे त्यां थी आयु छे के खुली छे त्यां थी आयु। अब आपको जिस तरीके से ये बाहर से अंदर आए, अब अंदर आने के बाद ये राजद्वेष की कसाई की तीव्रता, ये घूट घूट करके इसको अब आपको अंदर से घूट करके दिया। अब ये आत्मा प्रदेशों के साथ में फैल गया। ये कपड़ा है सफेद है, मैंने इंक वाली पेन टच की तो इसके तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो इसमें है, और जैसे ही मैंने टच की तो वो इंक खींचते जाएगा और खींचेगा, तब आप देखना जस्ट लाइक द वीविंग स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिकल एंड हॉर्टिकल था हॉरिजॉन्टल थ्रेड, अब उस हिसाब से इंक भी ऐसे पसरती जाएगी। अब पसरती जाने के बाद वो इंक इस कपड़े के अंदर, इसके धागे के अंदर इतनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, धीरे धीरे सूखती जाएगी, ये इसके ऊपर दाग बन गया, कपड़े के ऊपर दाग बन गया, आत्मा के ऊपर दाग जो है वो कर्म की संज्ञा। तो ये दाग बना तो आप क्या किसका दाग बोलेंगे? भाई ये काला दाग आपकी इंक का है, शाही का दाग है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? आत्मा के प्रदेशों पर ये जो स्पॉट है दाग है वो कर्म। अब मैं जब तक कपड़ा नहीं धोता हूँ वहां तक तो दाग रहेगा। अब वो दाग कितना सॉलिड है, हल्दी का है तो ठीक है, चलो एक बार धो करके धूप में सूख जाएगा तो भी उठ जाएगा। अब ये इंक का केमिकली ऐसा है कि दूसरी बार हल्का देखेगा, तीसरी बार और हल्का हो जाएगा, चौथी बार जा करके, तो यहाँ पर भी कर्म। अब ये कर्म इतना बन रहा है, अब इसके अंदर परमाणु कितने हैं? तो एक बार के अंदर परमाणु कार्बन वर्गना के अनंत ही आते हैं। क्यों अनंत आते हैं? अनंत कार्बन वर्गना के अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले नहीं मिले वहां तक कार्बन वर्गना ही नहीं बनती है। तमे आटलो लोट लीधो परात्मा डब्बा माथी, एमा एने सोयनी अणी थी एक एक कण छूटो पाड़ो ने गणतरी करो केटला कण थया, बोलो आजे करी लावजो काले उंबर जो। घर में आपके चार जने छह जने दस जने खाने वाले इतना आटा लिया, अब आप सुई ले लो, सुई से एक एक कण को अलग अलग करके गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ करो। अब वो इतने परमाणु इकट्ठे हुए, अब परमाणु तो सब खुले हैं, अभी पंखे की हवा आएगी तो सब उड़ जाएंगे। आपने वो नहीं उड़े उसको बांधना, इसके लिए पानी डाल करके बांधना। अब कोई पानी डालता है, कोई घी भी डालता है, कोई थोड़ा बहुत और कुछ डालते होंगे। सबसे बड़ी गलती आप आटे में नमक मत डालो, नौकर यारो आप गलती मत करो, आटे में नमक मिर्ची कुछ भी मत डालो। हो गई दिवाली बीत गई, लोगों ने ये भी डाल के खाया, किसी ने क्या डाला किसी ने क्या। अब पानी भी डालते हैं तो लोग उसको पहले पानी में शक्कर डाल के घोल करके मीठा पानी डालते, कोई गुड़ डाल करके मीठा पानी। आपको क्या डालना है पानी के साथ में, अगर ज्यादा से ज्यादा भी कुछ और उसके जो है मजबूती लाने के लिए तो आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल। तो आपका घर में करने कॉन्स्टिपेशन इतनी है, ये बार ने जय ने जो है लावना ने कायम चूर्ण ने नित्य चूर्णा कौन। अब जमाना में वो घी तो खावा जरूरी है, इसको भूल से मत खाओ। घी के अंदर 40-50% सुअर की चर्बी और 40% पाम ऑयल, और हाइड्रोजेनेटेड प्रोसेस के अंदर उसको घी बनाया जाता है। अब वो 390 में और 490 में और 590 में और 790 में आपको क्या देगा क्या भाई? कोई आपरे में थी एक दिन कोई घी लेने लेबोरेटरी में गया और टेस्ट करावा,
कोई नहीं जा रहा, लाया सब खा रहे। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज घर घर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक घर खाली नहीं है, दिन दिन कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। अगर आप शुद्ध असली घी गाय का देसी घी खाओ, 1000 साल में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। ऐसे नकली घी खाओगे तो जल्दी से कोलेस्ट्रॉल आएगा। अब यंगस्टर के 28-30 घर के 30 बरस की उम्र में कोलेस्ट्रॉल, ए माजी अनंत सोना घर में के हंगा ने कॉल वे कड़े भी लाया था, शरीर पतला दुबला लिख रहा है लेकिन अंदर कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब अंदर है क्या, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हार्ट को जाने वाली नस है, अब इतनी पतली नस और यहाँ पर इधर ये अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, अब ये इधर जम जाता है, तो अब जो खून पसार होता था, अब वो खून को पास होने में जो है एक अवरोध बीच में आ गया। आपके घर में नल में कोई बस में फंसे तो पानी के गणा रहे, पाइपलाइन में अगर जाकर कचरा जम जाए तो क्या होगा, तो ये कचरा कहाँ से आया। अब एक एक आर्टरी नली जो है कितनी छोटी बारीक है, उसमें से खून तो बहना ही चाहिए। एक बार के श्वासोश्वास में सिर से पैर तक, पैर से सिर तक 11 बार आपका खून दौड़ता है। नदी में पानी जितने प्रवाह से दौड़ता है आपके शरीर में सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, ये हमेशा ही दौड़ता है। और छोटा बच्चा है उसकी छाती पर हाथ रख के देखो, धड़ 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 धड़, ये मशीन की तरह से खून बहता रहे। और इतना खून फास्ट बहेगा तभी वो शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जीरो पॉल्यूशन के अंदर जी रहे हो, शहरों की कॉस्मोपॉलिटन सिटीज का जो पॉल्यूशन है वो किस लेवल का है, और आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिल्ली में, यूपी में, ऐसे प्रदेशों में कार्बन कितना बढ़ रहा है। एक रस्ते के ऊपर का जब बारिश थी तब पानी बरसता था, तब पता नहीं चलता था, अब पता चलता है। घर के अंदर पैर कितने काले हो जाते हैं और कपड़ा रखो तो कितना काले, तो वो जब एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो वो आपके श्वास में भी तो जा रहा है कि नहीं। इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द फिगर दैट 2017 के अंदर 20 लाख ऑफ पीपल्स आर डाइंग ओनली ड्यू टू द पॉल्यूशन। हार्ट के तो अलग ही है, कैंसर के अलग है, कोई किससे मर रहा है, कौन किससे मर रहा है, और सबसे कम फिगर कोरोना से मरने वालों का। पॉल्यूशन से मरने वालों का जब जा रहा है 20 लाख पर, हार्ट से मरने वालों का जा रहा है 17 लाख पर। हिंदुस्तान की बात है और बाहर की बात तो जाने दो, और कोरोना से अभी डेथ फिगर जो आया, लास्ट का फिगर कहाँ तक पहुंचा है सर, 4 लाख के 5 लाख कितना है, और वो भी इतना टोटल कोरोना पीरियड चला है कितना, 1.5-2 साल का। और इधर इतना हैवक मचा दिया है चारों तरफ जो है कि भाई कोरोना है, कोरोना है, करोड़ों रुपए इसके। अब हार्ट के लिए कोई वैक्सीन बनेगी, हार्ट के लिए कोई वैक्सीन बनने वाली है, पॉल्यूशन के लिए कोई वैक्सीन बनेगी, कैंसर के लिए इतने वर्षों में कोई वैक्सीन बनी है, कैंसर आज से नहीं कितने वर्षों से। अब कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ गया, अब वो जमाना भूल जाओ कि आप पान तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे और कैंसर होता था, वो तो है ही है। लेकिन उसके कारण पान पराग तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर का प्रमाण 17 में से केवल 11% ही है, लेकिन बाकी के अंदर महिलाएं जो नहीं खाती हैं उनको कैंसर हो रहा है, वो कितने प्रमाण में। आप शाक भाजी खाओ तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल है, फ्रूट्स खाओ तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल है। अब क्या प्रिजर्वेटिव डाले बिना तो आपको केचप बेच ही नहीं सकता है। FSSSI ऑफ द गवर्नमेंट हैड गिवन द परमिशन अबाउट 23% ऑफ द पेस्टिसाइड्स। अब क्या करोगे आप, इतने हैवी प्रिजर्वेटिव्स एंड पेस्टिसाइड ये आपकी बॉडी में जाएंगे, आपको कैंसर होने का चांस बढ़ता है। नंबर 1 का लखो तमें।
आप जितनी जो है थायराइड की गोलियां बरसों तक लेंगे, कैंसर होने का चांस बढ़ गया। नंबर दो, डायबिटीज की जितनी लंबे टाइम तक गोलियां लेते रहोगे, कैंसर होने के चांसेस 10 गुने बढ़ गए। एसिडिटी की जितनी गोलियां आप लंबे टाइम तक लेते जाओगे, आपको कैंसर होने का चांस जो है 22 गुना बढ़ गया। आप एक एक से एक एक देखते जाओ, कितने प्रकार हैं, कितने तरीके हैं। हार्ट के अंदर खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन वगैरह अगर लेते जाओगे तो कैंसर होने का चांस आपको 18 गुना बढ़ गया। हमारा घरना आंकड़ा नहीं, मेडिकल जर्नल्स के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरह से पब्लिश किया वो आंकड़े। अबे आज एसिडिटी की गोली तो आंख मिची ने खाए, वो खाना नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन एसिडिटी गोलियां खाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप दवाइयां लेते हो वो आपको 22% कैंसर बढ़ाने का चांस करा दे। टाटा सॉल्ट जिसके भी घर में आ रहा है वो आपको 22% नहीं 30% कैंसर बढ़ाने का चांस कर। किसको समझाना किसको भाई साहब? दोज हु आर यूजिंग द एनी थिंग एडिबल थिंग विच कंटेन्स द कंटेनर इफ इट इज प्लास्टिक वेयर, वो आपको 30% तक कैंसर में ले जाने का कारणीभूत निमित्त बन रहा है। हम ही सटे चाय की दुकान है, लोग फटाफट जाने चाय पिए प्लास्टिक का छोटा सा कप लेकर। आप बोलते हो प्लास्टिक नहीं है, वो पेपर है, पेपर के ऊपर प्लास्टिक उन्होंने किया है। आपके घर में कागज के ऊपर जो है प्लास्टिक में चाय लेकर के देख लो, घर में कोई ज्यादा पेपर, कितना भी ज्यादा पेपर लेकर के इतनी गर्म चाय लेकर के देख लो। पॉल्यूशन के हिसाब से उन्होंने बनाया पेपर का, लेकिन मशीन के अंदर पतला प्लास्टिक का थर जमा करके उसके ऊपर वैक्सिंग वगैरह करके वो ऐसा बनाया कि कितनी गर्म चाय 10 मिनट तक भी पेपर में रहे तो पेपर नहीं पिघले। अब वो गर्म चाय अंदर जाएगी तो वैक्स तो पिघलेगा, प्लास्टिक पिघलेगा, वो आपके पेट में जा रहा है वो कैंसर करेगा। बस समस्या ये है, कैंसर को डेवलप होने में 20 बरस लगते हैं और हार्ट को हार्ट अटैक आने में 20 सेकेंड लगते, फर्क इतना है। इसलिए कोई कैंसर से बचने का कोई प्रिकॉशन ही नहीं ले रहे। अब 20 बरस तक किसको पता चले, मुंह के ऊपर पिंपल्स होते हैं उतना ही अगर पेट में इतना छोटा सा कहीं पर भी होता है किसको पता चले। अब ये चक्कर है चल रहा है, लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई स्थिति मान। घर में एक जने को हो गया, दो जने को हो गए तो भी तीसरा आदमी कोई प्रिकॉशन लेने वाला नहीं है। और फिर हमारे यहाँ तो क्या महाराज साहब ने सिखाया है कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब। अब कर्म के हिसाब से महावीर स्वामी ये तो नहीं कह रहे कि भी कर्म उदय में आने वाला हो तो उसको पहले आप रोक सकते हो, उदीर्णा धर्म है तो आप उसको उदीर्णा में आने के पहले ही कटा सकते हो, कोई नहीं कर रहा है। इधर साइंस इतना एडवांस होता जा रहा है, साइंस इतना डेवलप होता जा रहा है, इतना सब कुछ होते हुए भी सब जगह कैंसर। हिंदुस्तान 135 करोड़ की देश की आबादी है, अमेरिका की तो हमारे से 100 करोड़ कम है, 100 करोड़ कम है। अमेरिका की तो 33 से 35 करोड़ ही है, लेकिन वहां पर भी कैंसर हिंदुस्तान से ज्यादा है। जितना हिंदुस्तान के अंदर ये पान पराग और मावा खाया जाता है इतना दुनिया के किसी देश में। अगर हिंदुस्तान को ये बोला जाए कि ये बंद कर लो, टोटली बंद कर दो साहब, हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी टोटल इकोनॉमी जो है लड़खड़ा जाए। गवर्नमेंट को शराब से और इससे 40% की इनकम, शाम हटे गवर्नमेंट बंद करें, मर रहे हैं लोग शराब से भी, मर रहे हैं इससे भी, मर रहे हैं और ये पान पराग तम्बाकू से भी मर रहे। गवर्नमेंट उपेक्षा कर रही है। अगर गवर्नमेंट को अगर 40,000 करोड़ की इनकम हो और 2,000 करोड़ कैंसर के लिए दे करके जो है उपचार भी कराए, हॉस्पिटल भी खोले, ट्रीटमेंट भी खोले, तो गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है। दोनों तरफ दिखाई तो देना चाहिए गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर पब्लिक समथिंग, लेकिन 40,000 करोड़ कमा करके आप 2,000 करोड़ इधर डालो, शु मतलब।
और प्रजा में इतनी जागृति नहीं है, जनता में इतनी जागृति नहीं है। बाहर 90% 95% सब जगह पर टाटा सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट कंपनी कोई भी हो, पतंजलि भी बनाएगी तो वो भी देखती है कि पैसों के मामले से पैसा मिल रहा है ना, पब्लिक खा रही है, दो आयोडाइड सॉल्ट। हम लोग इतने मूर्ख बन गए कि आयोडीन तो हमको सब में से मिल रहा है। यू आर गेटिंग फ्रॉम द वेजिटेबल्स, यू आर गेटिंग फ्रॉम द ग्रेन्स, यू आर गेटिंग फ्रॉम द पल्सेस आल्सो फ्रॉम एवरीवेयर। तो शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 0.2% का हमको सबको जो है बरोबर जो है मिल रहा है, लेकिन अब कोई समझने कोई तैयार नहीं। अब वो जा करके एक्स्ट्रा केमिकल के रूप में मिला करके जब दिया जा रहा है तो उसका रिएक्शन। अब देश इतना जागृत हो जाए ये कब पॉसिबल है? और महिला वर्ग जो रसोई बना रहा है अब उनको कोई समझ ही नहीं है सर, फटाफट जो सॉल्ट मिलता है वो लाएंगे, डालेंगे, खाएंगे, करेंगे सब, वो कोई छोड़ने वाले। अब ऐसी स्थिति में इतनी समझ, इतना विवेक, ये समझ और विवेक रख करके घर के लोगों को रसोई में बचाना बहुत मुश्किल है। उनका एक ही मतलब है स्वादिष्ट, ये मिलाया कि वो मिलाया कैसे कराया, कैसे स्वाद अच्छा आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं दे। सबसे बड़ी समस्या ये। तो चलिए बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कर्म के बंद होने का रहता। अब ये कर्म बंद हो गया तो इसके अंदर रस बंद के कर्म, अब ये कर्म यहाँ से जो बना इधर ये कर्म बना, अब मोनिय कर्म के जो बने, अब ये यहाँ से आकर के अब आत्मा के आयुष्य कर्म के अंदर इसमें से कितने परसेंटेज आएंगे सा? सीधे सीधे आयुष्य कर्म डायरेक्ट नहीं बनता है, मोहनीय कर्म के रास्ते से कसाय आदि भाव से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर आप मोहनीय कर्म बांधोगे। 28 प्रकृतियां जो है ये मोहनीय की बनेगी। अब किसमें से परसेंटेज आएंगे, अब किसमें से परसेंटेज आकर के ये आपका आयुष्य कर्म अलग से बन जाए, ये अलग से आपका बन गया। मम्मी आटा बांध रही गूंध रही है तब बेटे ने कहा मम्मी मीठी रोटी बनाना, तो थोड़ा सा अलग निकाल करके उसमें शक्कर डाल करके उसको मीठी रोटी बना के दे दी। माँ भी खुश, बेटा भी खुश, चलो सा। अब ये अगर रोज का चक्कर चल रहा है तो इसमें से कब आएगा? लाइफ में एक बार, बाकी के सभी कर्म आपको प्रत्येक सेकंड में बनते जाएंगे और आयुष्य कर्म पूरी जिंदगी में एक बार ही बनतेगा, दूसरी बार नहीं बनतेगा। बोलो आयुष्य कर्मों को जिंदगी में एक बार करना, बाकी के सब कर्म आपको प्रति सेकंड बनेंगे, प्रति समय बनेंगे, बाकी के सातों कर्म बनते जाएंगे। तो अब ये आएगा तो किसमें से आएगा? मोहनीय की 28 प्रकृतियों से, जिससे बांधा है उसी में से इसकी पार्टनरशिप है, तो उसमें से जितने परसेंटेज में ये आकर के आयुष्य बन। पहले मैंने कल बताया था कि आयुष्य का सामान्य मीनिंग लोग जो है जीवन, लेकिन यहाँ महावीर ने नाम दिया कि ये एक कर्म है, ये एक कर्म है, उसके उदय से आपका जीवन चल रहा है, उस कर्म के उदय से लाइफ स्पान जो आपका चल रहा है, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने वर्षों तक जिएंगे। जीने का मतलब है आत्मा शरीर में क्या सुधी तक से, शरीर के स्ट्रक्चर में से आत्मा छूट नहीं जाए। आप नींद में हो तब आत्मा निकल जाए नहीं, आत्मा बहुत हल्की है, बिल्कुल वजन विहीन है, कोई वजन ही नहीं है आत्मा का। आप धुएं को पकड़ तो नहीं सकते हो, जलने के बाद जो हल्का फूल हो गया वो ऊपर उठ रहा है, ये नेचर है।
राख जो है वजन वाली भारी है वो नीचे गिर भी जाएगी, धुआं ऊपर जाएगा। अब धुएं को पकड़ नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो। अब ये जो राख नीचे गिरी है उसको इकट्ठा करो। आत्मा बिल्कुल हल्की है, वजन ही नहीं है उसका, बिना वजन की है। अब इसको ये शरीर 60-70 किलो की काया वाला शरीर आत्मा को पकड़ करके शरीर में बांध के रखता है, इसलिए ये काम आयुष्य कर। गैस कितनी हल्की है इसलिए लोहे का इतना ज्यादा मजबूत और भारी वजनदार सिलेंडर बनाना पड़ा। नहीं बनाया तो वही उड़ जाएगा। आप प्लास्टिक का फुग्गा रखोगे और बलून रख करके उसमें गैस भरोगे तो वही उड़ जाएगा। तो जितनी हल्की ज्यादा है गैस उतना ही ज्यादा वजनदार भारी आपको सिलेंडर बनाना है। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि फाइबर के सिलेंडर बना लाइट वेट वाले से, और जब ये लाइट वेट वाले बनाने लग जाएंगे तब और भी समस्या हो जाएगी। तो उसका प्रोपोर्शन रेशियो है, कैलकुलेशन है कि इतना गुना वजन आपको देना पड़ेगा। तो या तो फाइबर को वजन वाला बनाओ, प्लास्टिक आम में वजन में बहुत हल्कूट से, क्योंकि जमीन में से निकले हुए ऑयल में से कन्वर्ट करके पीवीसी बनाया। जमीन में से जो क्रूड फॉर्म में जो निकलता है वो तो लिक्विड फॉर्म में ही है सारा सब कुछ। अब उसकी केमिस्ट्री अलग है, केमिकल बेस अलग है कि कैसे सॉलिड उसको बनाना है, लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कलर वगैरह डाल करके प्लास्टिक बनाया। तो प्लास्टिक का वजन है लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे से बहुत कम। आपको दिखता है एकदम वाइट वाइट थर्मोकोल दिख रहा है सा, लेकिन वो है तो क्रूड फॉर्म का एकदम काला। अब कैसे केमिकल रिएक्शन से उसको बनाए, अब बनाते समय एयर कंप्रेशर कितना रहा उसके अंदर ताकि वो फूल करके वैसा बने, तो वजन कितना हल्का हो गया। और वही पॉलिसी हमारे यहाँ पर है, भातना दाना ने जैसे ममरा बना हुआ हो तो वो करे, एक एक ममरा में सोए थी जो कितनी एयर हवा कितनी भरेली थी। अब उसके अंदर ममरा बनने के बाद उसके अंदर कोई प्रोटीन कोई कैल्शियम कोई तत्व तो बचता है, हम करो छो खाओ छोको। अब सबके घर में आ गया ममरा, अरे नहीं बाबूजी ममरा तो लो, और मुरमुरा को भी मिर्ची नमक मिर्ची डाल करके और कर दे, कोई तेल डालेंगे कोई क्या डालेंगे कोई क्या डालेंगे, और वो भी खाने का एक ऐसा, और वो भी सुबह तो पहले का। अब आंसू करो, अब जो वस्तु जिसके अंदर से सर्वथा सत्व नष्ट हो गया अंश भी नहीं बचा और उसको फुला करके हवा बना कर दे दिया तो ममरा पन नपसे पहुँचा फिर कौन है, इसमें हवा भरी है और उसमें प्रेस करके पहुँचा तो के हवा ना पौरमा तो पहुँच खावा। अब क्या करना क्या, आयुर्वेद शास्त्र ने सिखाया कि सुबह सुबह आप जो है हैवी वस्तु खाइए, जो पचने के अंदर सबसे भारी चीज है वो सबसे पहले सुबह खाइए, ताकि आपको 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे आपके फिजिकल एक्सर्सन से डाइजेस्ट होने का मौका मिल जाए, और सबसे लाइट वस्तु वो शाम को खाइए। क्या लगे एकदम लाइट वस्तु होवे कि जो पचने में बहुत हल्की है वो शाम को खाइएगा। इसलिए हमारे यहाँ खिचड़ी शाम को होती थी, सांझे शो करो सांझे खिचड़ी कड़ी खाई ले। खिचड़ी में सबसे अनाज के दाल के अंदर सबसे लाइट जो है ज्यादा सुपाच्य और प्रोटीन देने वाला मूंग है। तो खिचड़ी को नहीं थवी जो ये मगनी पोतरा वाली दाल साथे चावल होए तो खिचड़ी खाए, तुअर की दाल के साथ खिचड़ी भूल से नहीं करनी चाहिए, और मूंग के छिलके वाली दाल 70% होनी चाहिए या 60% हो तो 30-40% ही चावल मिक्स कर। आप उल्टा रेशियो कर देंगे 70% चावल डाल करके 30% दाल डालेंगे तो नुकसान होगा।
अब तुअर की दाल के अंदर कोई तुअर का छिलका साथ में नहीं लेता, ये तकलीफ है। उड़द के अंदर कोई उड़द का छिलका नहीं खाता है, ये तकलीफ है। छिलके के साथ उड़द की दाल है घर में, देखो नहीं, कोई नहीं रहा। सब लोग छिलके निकाल के फेंक देते हैं, वो सारे छिलके गायों को मिला पशु आहार में जाते हैं। हम लोग हैदराबाद से आ रहे थे तो कर्नाटक के अंदर लास्ट में कलबुर्गी, वहां पर वहां सबसे बड़ा व्यापारी है दाल का छिलका निकाल, और वो भी इतना महंगा था बिक रहा है सा, वो भी जो है 20-30 रुपए किलो में बिक रहा है, तो दाल के तो भाव और कितने। मुंह फेंकने के लिए नहीं है वो, पशु आहार के लिए गाय भैंसों को खिलाते हैं, और खिलाने से भैंसों का दूध बढ़ता है। अब बिना छिलके की अरद की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल आप खाओगे तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। आप बिना छिलके वाली मूंग की दाल खाओ और छिलके सहित मूंग की दाल खाओ, दो में फर्क आसमान जमीन का। आसमान जमीन का फर्क क्या है? तो छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हाई रहे, और बिना छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे तो आधा भी परसेंटेज प्रोटीन का नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता। अब वैसे तो समझना तरीका क्या है पारसमल जी, दाल बनाने का तरीका तो ये घुटने के प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा। हम बैरों के का नहीं काम, आपको मैंने बोला भी था एक बार दो बार क्लास रखो अलग से, दाल बनाने का तरीका सीख तो घर घर में से ये घुटना के प्रॉब्लम ही मिट जाए। अब वो ही समझने को तैयार नहीं है, रसोई करने का तरीका बिगड़ गया। जब आज से 50-100 साल पहले हमारे देश के अंदर मिट्टी की हांडी में और खुले ढक्कन से दाल जो है वो भी किसके छाने के ऊपर बनती थी, अब चलो आज छाना तो नहीं है, लकड़ी नहीं है, गैस है तो गैस पर ही। कल एक भाई ने मेरे को बताया कि मिट्टी के इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे बर्तन थे बरसों के थे, हमने तो सब फेंक दिए निकाल दिए। अब बुद्धि का देखो सवाल, सब फेंक दिए। अब ये समस्या, तरीका भी तो आना चाहिए। और फिर क्या है, जब थोड़ा सा इतना सुन ले महाराज हमने बताओ ना मैं कर सू, मेरे को पहले तो मैं गारंटी लखो क्या मैं कर सू, और फिर जब बताने जा रहे और ऐसा माटी नावा संतो आउट ऑफ डेट। अबे साहब वो माटी ना घर में वासन लाओ तो हमारा दिकरा ने कोई कन्या ही नहीं आप, अभी ये रिएक्शन है क्या तकलीफ देखो आप। लेकिन अब क्यों इतने घुटने के रोग बढ़ रहे हैं, इतने जॉइंट्स पेन, इतने रूमेटिज्म, इतने यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ना कहाँ से हो रहा है? अब समझाना किसको कैसे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं आयुष्य के कर्म का बंद होना, पहलो नियम सुधयु का कामना, बीजा साते कर्मो दर सेकंडे समय बंदाशे, आयुष्य कर्म 100 वर्ष ने आखी उम्र मां छल्ले एक बार बंदाशे। अब ये फिक्स नियम हो गए, कब बंदेगा, कब बंदेगा, कैसे बंदेगा, वो टाइम का सवाल है। लेकिन रास्ता कहां से आएगा, मोहनीय कर्म के अंदर से ही रास्ता। हिमालय से गंगा एक नदी निकलेगी, बाद में उसमें से 1000 नहरें निकल जाए, अंदर अंदर से ब्रांचेस बना करके नहरें निकालना है। नदी इंसान नहीं बनाता है, नहरें इंसान बनाता है। नदी तो पानी ने खुद ने अपना रास्ता बनाया है, वो नदी है। अब आपको अलग 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 इधर पानी पहुंचाना है, इधर पानी पहुंचाना है, अब नहर बना करके पानी को पहुंचाइए, तरीका ये। यहां पर भी यही बात है, पहले 28 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की बन जाएगी, अब जाकर के शाखा फूटेगी तब वो जिंदगी में एक बार आपका आयुष्य कर्म। तो मतलब क्या हुआ, आयुष्य कर्म इंडिविजुअल स्वतंत्र बंदगी प्रक्रिया में नहीं है, अपने आप होकर के वो डायरेक्ट कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर बनाता होता तो रोज आयुष्य कर्म का बंद हो जाता।
लेकिन वैसा तो है नहीं। तो मोहनीय कर्म ही उसका मुख्य रास्ता। अब आप अपना टेम्परेचर हमेशा देखते रहिए, फिजिकल टेम्परेचर एक अलग है और अंदर का स्पिरिचुअल टेम्परेचर बिल्कुल ही अलग। आप अंदर राग-द्वेष कसाय की आपकी मात्रा कितनी है, अंदर आपके राग-द्वेष और कसायों का प्रमाण जो है वो गर्मी कितनी है, शरीर में गर्मी कितनी है और मन में गर्मी कितनी है और स्वभाव में गर्मी कितनी है। वो गर्मी यहाँ क्रोध से आ रही है, क्रोध और मांग दोनों गर्म है, माया और लोभ दोनों ठंडे हैं। धीरे 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 वो ठंडेपन से काम करते हैं। ये क्रोध और मान दोनों भड़के हुए सब आग की तरह से जलने वाले हैं और ये बिल्कुल ठंडे। धीरे से इस तरह से करेंगे कि आपको पता ही नहीं चले। कोई माया कह करके नहीं करता है, करने वाले की माया कपट की वृत्ति को पहचान नहीं, मान अहंकार को पहचान सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर भी क्या है भाई साहब, आपको चढ़ावा बोलाना है तो आपको क्या तो समझ लेनी चाहिए, हौसा करने की झाड़ माते चढ़ावा। अब बलून के अंदर तो गैस भरोगे उतना फूलेगा, हेड साहब जाजम माते बैठा है तो थोड़ा झाड़ माते चढ़ावा। देखो चढ़ावा बोलते मान बढ़ाओ, मान सम्मान से किसी का सम्मान बढ़ाओ कोई भी। अब कितना भी हो थोड़ा सा अपमान हो गया भागशाली तो फिर रिएक्शन बहुत भारी आएगा, फिर तो वो नहीं। लेकिन आप किसी की माया नहीं बढ़ा सकते, आप किसी को दिखा करके लोभ बढ़ा सकते। लोभ के लिए वस्तु दिखाइए उसकी इच्छा जगती जाएगी। हर दुकानदार अपनी चीज को सजाता है, एक बार थोड़ी सी रस्ते चलते हुए किसी को देखने में आनी चाहिए फिर तो वो आ जाएगी। कई महिलाएं शाक भाजी लेने के लिए जाती है और साड़ी पसंद आ गई तो वहां से रिटर्न आ जाती है, बाकी दो दिन के पैसे इकट्ठे करके फिर वो साड़ी लेने चली जाएगी। कोई फर्क पड़े घर में आज मूंग दाल पे करे और साथ बेसन का गट्टा करे और हेठ सा पूछी जब वो कहना था कोई ठा पड़े आज आटा में, अब वो समझ जाए तुमने कोई माया कपट लोभ नहीं कहीं खबर नहीं पड़े। वो दो दिन साग सब्जी नहीं लाएगी अपना और कुछ आनंद तो कोई खा पड़े तो आनंद आटम कदी ने आठ सौ दस करे कोई ठाईस तो नहीं पड़े। खावा में थाली में दो जरे खा पड़े कि आज भूखो हाथ क्यों आए तो क्या आ जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर हर व्यक्ति अपना अपना कैसे साथ लेता है ये देखिए आप। बक्षले विपाक सूत्र भी थोड़ा सा विचार करना है, उसके भी एक दो अध्ययन हो जाए। मैं दल तो गणतरी रह लिया छठे अध्ययन के अंदर यहाँ मुख्य बात नंदी वर्धन के नाम से की गई। नंदी वर्धन, अब ये नंदी वर्धन के नाम का जो अध्ययन बनाया है तरीका तो वही है। जम्बु स्वामी सामने से चल करके अपने मुख्य गुरु सुधर्म स्वामी को पूछ रहे हैं। भगवान ने महावीर स्वामी भगवान तब विद्यमान थे तब उन्होंने क्या कहा था क्या बताया। अब सुधर्मा स्वामी ने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं ऐसा कह रहा हूं, उन्होंने जवाब क्या दिया, तेरम भगव्या एवं अखाय हे जम्भु सांभो भाई ते परमात्मा महावीर प्रभुए आ प्रमाणे कहू। मतलब उन्होंने क्या दिया तुम्हारी भाषा में जेने गुजराती माँ कहवाए हवालो को ना आप क्या है, कोई पर बात मारा ना हमें ना जाए केम तो के हूँ केवली ना थी। महावीर स्वामी केवली सर्वज्ञ एक एमने शू कह एमना शब्दों महत्व ना। यहाँ सुधर्मा स्वामी गुरु है जम्बू स्वामी। अब जम्बु स्वामी हर बात में सुधर्मा स्वामी गुरु महाराज को ही पूछ रहे हैं, तेनम भगवया किम अखाय परमात्मा महावीर प्रभु ने क्या कहा है। अब ये जम्बु स्वामी के एक शिष्य के रूप में ये शब्द हमको भी पकड़ के रखें।
તમે જ્યારે પણ આવો ત્યારે વ્યાખ્યાનમાં ગુરુ મહારાજને પૂછો, સાહેબ તેડમ ભગવાયા કેમ અટકાય, તે પરમાત્મા મહાવીરે શું કહ્યું છે એ કહો બસ, નહીતર આ શું થશે કે આજે હું આવ્યો, કાલે બીજા મહારાજ, કાલે ત્રીજા મહારાજ, કાલે આ તો રેલવેનું પ્લેટફોર્મ છે, ત્યાં તો હર વાર બદલતે જાય અને બધા પોતપોતાનું કહેવા માંગે તો શું થાય, મહાવીર કી બાત કો લેકર હમકો હમારી પેકિંગ મેં ભેજને કી કોઈ જરૂર નહીં હૈ, ઓરિજિનલ વિધાઉટ પેકિંગ ભી, પુરાના જમાને મેં પેકિંગ કા ઇતના ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં થા, આજે તો મોબાઈલ તમે લેવા જાઓ તો પેકિંગ એવું આપે કે તમને એ પણ કચરામાં ફેંકવાનું મન ના થાય, ઉસકા બોક્સ ભી ફેંકને કા મન નહીં હોગા, એસી બાત હૈ, દાગીના લેવા જાઓ તો દાગીના કરતા તો બોક્સ એવું લાગે કે બોક્સ જોઈને જ ખરીદી લે, ભૈરાવને શું પૂછો, યહાં તો યે સબ ઇમિટેશન વાલે, ઇનકો દેખો આપ સબ, ઇમિટેશન કો ઇતના અચ્છા બનાયેંગે, ઇતના અચ્છા બનાયેંગે કોઈ સમજેગા હી નહીં, ફિર ઉસકી પેકિંગ ઇતની અચ્છી, ભલે પ્લાસ્ટિક કે ઉપર ભી ગોલ્ડન કલર કરકે પેકિંગ કરે, હવે તો પ્લાસ્ટિક ઉપર ગોલ્ડન કલર થઈ જાય, અબ પેકિંગ કા જમાના આ ગયા, ઓરિજિનલ વસ્તુ મેં દમ હૈ કે નહીં હૈ, ઉસકા પેકિંગ ઇતના ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ કે બાત, હવે આ લોકો ઇમિટેશન ની અંદર કેડમિયમ જો વાપરે તો એ શરીર કે લિયે આરોગ્ય કે લિયે જહેર હૈ, બહોત ખતરનાક હૈ, લેકિન પૂરે હિન્દુસ્તાન મેં સબસે જ્યાદા મલાડ મેં યુઝ હો રહી હૈ, યે સબ ઇમિટેશન કે દાગે, બહોત ખતરનાક, અબ કોણ સમજતા કોણ હૈ, ભૈરવને તો કેટલી બુદ્ધિ હોય છે કે દાગીના પહેરે ને લગ્નમાં ગયા ને હો જણાય જોઈ જોઈને ગાંડા થઈ ગયા હતા, બસ ઉનકો સમજતા હૈ કે મેને પૂરા સ્વર્ગ જીત લિયા, इससे ज्यादा उनकी विचार शक्ति नहीं है, तकलीफ ये हो रही है, कितना बड़ा हामे थी हमें महाराज खोटा पाड़े, बोला लगन ना वर राजा ने भूली गया ने बच्चा मारा खोटा पाड़ा, अब ये तकलीफ, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि इतना खतरनाक जहर मैंने पहना है तो मेरा आरोग्य का नुकसान क्या, सोच कहाँ तक है आपकी, यहाँ जम्बू स्वामी है हालांकि वो भी केवली बनकर मोक्ष में जाए, 44 बरस तक केवली रहे जम्बू स्वामी, आयुष्य भी बड़ा था, लेकिन जब नहीं हुए वहां तक तो वो भी पहले सामने से अपने गुरु से ही पूछ, और कब तक पूछ रहे, जब तक सुधर्मा स्वामी केवली नहीं हुए, 11 ही घंटे में सबसे बड़े उम्र के अंदर सुधर्मा स्वामी 100 बरस की उम्र, गौतम स्वामी से 8 बरस बड़े उम्र, लेकिन गौतम स्वामी 12 बरस तक केवली रहे, सुधर्मा स्वामी 8 बरस तक केवली रहे, लेकिन महावीर की पाठ पर सबसे पहले सुधर्मा स्वामी आए, गौतम स्वामी नहीं आए, नियम क्या है, क्यों नहीं आए, भगवान महावीर को निर्वाण हुआ सब रात के 2:30 बजे और 5 बजे इनको केवल गया, अब केवल ज्ञानी होने के कारण वो भगवान के पाठ पर नहीं आए, तो जो छद्मस्त है अभी जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ वही महावीर के पाठ पर आए, और इधर क्या हुआ था कि महावीर के 9 गणधर तो उनके हयाती में ही राजगृह पर जाकर आयुष्य पूरा करके मोक्ष में चले गए, आयुष्य कम था तो भगवान के पहले ही उनको तो केवल ज्ञान हो गया और पहले ही राजगृह पर चले गए और वहां 1 महीने का अनशन करके संतारा ही कर लिया, अब बचे कौन, 2 ही बचे, गौतम और सुधर्मा, गौतम स्वामी को तुरंत केवल ज्ञान हो गया, सुधर्मा स्वामी को नहीं हुआ था, तो तब तक सुधर्मा जो है महावीर की पाठ परंपरा, हमारे सबके पहले मुख्य आद्य गुरु तो सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी नहीं है, गौतम स्वामी पहले गणधर है, लेकिन गुरु के रूप में जो छद्मस्थ होते हैं वो गुरु है, तो महावीर के पाठ पर सबसे पहले सीधे जो है सुधर्मा स्वामी, अब उन्होंने व्यवस्था चलाई, संघ चलाना है ना, સંઘ ચલાવવું હોય ને કોઈને ઠપકો આપવું પડે તો કેવલી તો આપી ન શકે,
अब वो तो खुद ही केवल ज्ञानी बन गए, वो भी त्यागी बन गए, अब तो राग द्वेष कर ही नहीं सकते। तो राग द्वेष करवानो काम कौन छे समस्त। अब इतना बड़ा संघ है, इतने बड़े संघ के अंदर इतने हजारों साधु साध्वी जी है और सभी चरमस्त है। किसी न किसी को थोड़ा बहुत तो कल कुछ कहना तो पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, कोई ने थोड़ो ठपको पण आपवो पड़शे, केम भाई तमे केम पाठ नहीं कर्यो, एटलू तो बोलवू पड़े, केवली नहीं कर सके। तो ये काम छद्मस्त काय हुई करेंगे। इसलिए सीधा ही जो है सुधर्मा स्वामी ने ये व्यवस्था की। अब उनके पास जम्बू स्वामी आए, अब उन सुधर्मा स्वामी तो 8 बरस में केवल ज्ञानी बन जाए, वो केवली बन गए तो वो एक तरफ बढ़ गए। अब जम्बू स्वामी ने जवाबदारी संभाली, ये भी कोई छोटे तो नहीं, 16 बरस की उम्र में तो शादी हुई है। अब उसके बाद में ये दीक्षा लेकर के ये संभाल रहे व्यवस्था। अब इनको जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये साइड बैठ जाएंगे, प्रभव स्वामी आएंगे वो संभालेंगे, बस बहुत हो गया। लास्ट में लास्ट जम्बू स्वामी मोक्ष में गए, केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में किसी को। तो बात की परंपरा हमारी छद्मस्त जीवों की चलती है। तो भगवान ने उत्तराध्याय सूत्र आगम शास्त्र के अंदर कर्मों का विपाक, कर्म विपाक, कर्मों का रिजल्ट, अब किस जीव ने कर्म का कैसा रिजल्ट होगा है, किसके कर्म कैसे थे, किसके अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, शुभ कर्म थे, अशुभ कर्म थे, पुण्य के कर्म थे, पाप के कर्म थे, किसने कैसे, यहाँ पर एक 6ठा अध्याय जो आ रहा है वो है जम्बू स्वामी ये नंदीवर्धन का। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उस समय मथुरा नाम की जो नगरी, आज भी मथुरा मथुरा ही है सब, अब उस नगरी के बाहर बंडीर नाम का उद्यान था और वहाँ पर जो है सुदर्शन नाम का यक्ष था। मथुरा नगरी में श्री राम नाम के राजा थे और बंधुश्री नाम की उतने पत्नी थे, उनका बेटा जो हुआ था उसका नाम नंदीवर्धन रखा गया। अब उस नंदीवर्धन के निमित्त को लेकर के यहाँ पर एक पूरी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो परमात्मा महावीर स्वामी जिस समय यहाँ पर मथुरा नगरी में पधारे थे और वहाँ पर जो है धर्मोपदेश देना था, तो समोसरण भी बना था, सब समोसरण बना। अब उसमें जिस तरह से वहाँ पर भगवान देशना देने के लिए पधारे थे और युगानुयोग ऐसी परिस्थिति में गौतम स्वामी गोत्री के लिए जा रहे हैं। अब गौतम स्वामी अपनी नजर के सामने इस नंदीवर्धन युवक को देख रहे, अब क्या अपराध किए, कैसे अपराध किए कि इतनी बड़ी सजा इसको मिल गई, कितनी बड़ी सजा। तो जो गौतम स्वामी ने दृश्य देखा है उसका वर्णन करके अब भगवान को पूछ करके उसके पाप कितने, कर्म कितने, क्या हिसाब वो बताए। थोड़े दिन आत्म है तो ये भी एक अध्याय हो जाए। रविवार को भाग्यशाली व्रत उचराने का रखा है, जिन जिन भाग्यशालियों ने व्रत नहीं उचरे हो, नहीं लिए हो, तो थोड़ा सा जरूर आप भी अभ्यास कर सकेंगे, ख्याल आ जाएगा। कल जो है ज्ञान पंचमी का वार्षिक पर्व है, जो बरस में एक बार आता है ऐसा वार्षिक पर्व है और विशेष करके ज्ञान की आराधना का। कल थोड़ा सा विवेचन ज्ञान के ऊपर करेंगे, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे, हमारे प्राचीन काल के अंदर कितने कितने कैसे कैसे महापुरुष जिन्होंने उत्कृष्ट रूप से ज्ञान की आराधना कैसे की, उनकी भी बात सामने आएगी, वो भी विचार करेंगे। साथ में ज्ञान पंचमी की आराधना, इधर ज्ञान का जो है थोड़ा सा सजावट रखेंगे और जिस तरह से ज्ञान से लोग समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। जीवन का उद्देश्य सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, समाज के अंदर लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन ज्ञान की प्रवृत्ति जो घटती जा रही है, बड़ी चिंता का विषय। एक संघ जिसको बोलते हैं, एक संघ जिसको हम कहते हैं संजय के लिए, तो पूरी तरह से आप समझिए कि ज्ञान का प्रमाण क्यों घटता है, किसी संघ में कोई रस रुचि क्यों नहीं ले रहा है, आप गुरु महाराजों को लाते क्यों, बड़े बड़े आचार्यों को लाने, आपके स्वामी वात्सल्य से तो गुरु महाराजों को कोई संबंध नहीं, क्या लेना देना।
लेकिन ये अगर ज्ञान का प्रमाण घटता जाए संघ और समाज के अंदर, न श्रावक वर्ग में न श्राविका वर्ग में अगर कोई ज्ञान के विशेष रस रुचि वाले नहीं रहेंगे तो भविष्य क्या होगा, कैसे? ज्ञान बगैर तो अंधार है, तो ये अंधकार किस प्रकार का, कैसा, इसको समझ करके कैसे टालना। अब हम प्रयत्न भी करेंगे, कल का एक दिन थोड़ी सी संख्या बढ़ी, लेकिन जो तरीका रीति रिवाज है वही चल रहा है, 12 महीने हुई चल रहा है। कोई फल देते एक संघ के ट्रस्टी हैं आप, तो आपका एक जिम्मेदारी रहती है कि संघ के अंदर ज्ञानी वर्ग कैसे बढ़ाना, तत्व जिज्ञासु कैसे बढ़ाना, जिन वाणी रसिक हमको कैसे बढ़ाने, ये हमारा कर्तव्य रहना। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा इसी बात है, ट्रस्टी थे એટલે આપણે શું કરો, વહીવટ કરો, ચનો વહીવટ, પૈસા નો વહીવટ, બીજું આપણે શું માતા જે ચાલતું એ ચાલે, સંઘમાં શું કરો, ये नहीं होना चाहिए। आप ये जिम्मेदारी समझ करके चलेंगे तो बहुत बड़ा आयोजन होगा। कल वैशाली ज्ञान पंचमी पर्व के ऊपर विशेष प्रवचन है। सबके साथ सकल ണം പ്രധാനം സർവധർമാണ ജൈനം ജയ ദേശാസനം പൂജിത സദേവ की।